बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं देश में, बहुत सारी बातें होती हैं, अब तो इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है वोट देंगे, क्या रहेगा दिमाग में, क्या सोचकर वोट देंगे? इम्पोर्टेंट चीजें तो है कि अपने देश का विकास जो है, अपने इंडिया का जो अभी 25वां है पूरे वर्ल्ड में, मोदी जी के आने के बाद काफी अच्छा हुआ है, सब देशों में हमारी इज्जत का थोड़ा इंडिया का लेवल बहुत हाई हुआ है कि आज सम्मान मिल रहा है सब चीजों का और इंडिया आगे है हर चीज से, तो उसको देखते हुए तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ। बाकी का जो ये पॉलिटिक्स होती है इसका इंटरनली क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी का मेरा सपोर्ट तो मोदी जी को है बीजेपी, और लग रहा है कि सब चीजों को देख कि मोदी जी ही आनी चाहिए। जयपुर में क्या लग रहा है, जयपुर में तो आप रहते हैं, दोस्तों से बात होती होगी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसे ही सभी सोच रहे हैं या कुछ और? नहीं, ऑब्वियसली हमारे जब फ्रेंड सर्किल में बैठते हैं हम ऑफिस में वगैरह में, तो यही बात होती रहती है कि क्या है क्या नहीं है, तो उसमें यही आता है कि भाई मोदी जी का जो काम करने का तरीका है सबको वो काफी अच्छा लगता है, काफी हद तक अच्छा लगता है, बाकी का सब कुछ अच्छा है तो मोदी जी का ही नाम आता है कि अब की बार मोदी सरकार। तो आपको लगता है कि इस बार जयपुर में, मैं जयपुर की अगर बात करूं क्योंकि आप लोग जयपुर में रहते हैं, काम भी करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, तो जिस तरीके से अलग अलग जगह या खुद बीजेपी कहती है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे, उनके नाम पर ही वोट पड़ जाएंगे? जी, उन्होंने जो किया है उनका फेस वैल्यू ही इतना अच्छा हो गया है, तो उसके हिसाब से, उनके फेस वैल्यू के हिसाब से, उनके वर्क के हिसाब से तो मोदी जी को वोट वैसे ही मिल जाना चाहिए। वोट ऐसे नहीं है कि वो बंदा ऐसा है मोदी जी नाम है, नरेंद्र दामोदर मोदी है तो उसको वोट दे दो, नहीं मैं नहीं मानता ऐसा चीज है। उनके वर्क को वोट दोगे आप ये क्या किसी की जनता के लिए आप कुछ कर रहे हैं? मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अपनी सबसे बढ़िया आज देश का मान सम्मान बढ़ रहा है सब जगह, प्लस अपने कोई भी है कि किसी चीज को, जैसे कि मान के चलो यहाँ विकास हो रहा है हर चीज को लेके, उस चीज को लेके देख के कर रहे हैं। बाकी का सबसे ज्यादा मेरा मेन पॉइंट ये था कि आज इंडिया की बहुत अच्छी अच्छी इज्जत है सब जगह में, जैसे मैं आज सब जगह मान सम्मान है, मैं उसका श्रेय मोदी जी को ही दूंगा, उसी कारण मेरा मेन वो है वोट। और बाकी का जो ये है विकास वगैरह हमारे यूथ के लिए, देखो कमा के तो खाना सबको ही पड़ता है, सरकार रोटी देगी नहीं, कोई भी सरकार नहीं देगी, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आप, आपको खुद को ही कमा के देना है खाना है। बाकी का उनका जो चीज है कि हमारे लिए जो कर रहे हैं वो बेस्ट लगता है मुझे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।